नमस्ते, इस वीडियो में इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको परीक्षा में इसी तरह से संक्षिप्त में साहित्यिक परिचय देना है। जिसका भी आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए, उसका आप पहले संक्षिप्त में जीवन परिचय देंगे, इसके बाद साहित्यिक परिचय। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक गांव में हुआ था। कब जन्म हुआ? 1904 ईस्वी में। कहाँ? मध्य प्रदेश में इटारसी के पास जमानी नामक गांव में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया। नागपुर विश्वविद्यालय से परसाई जी ने हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश से और उच्च शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की तथा कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। फिर नौकरी से त्याग पत्र देकर यानी इस्तीफा देकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य आरंभ कर दिया और साहित्य सेवा में जुट गए। इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया। याद रखिएगा, इन्होंने वसुधा पत्रिका का नाम है वसुधा, इसका संपादन और प्रकाशन किया। सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हुआ यानी मृत्यु हो गई। ये आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय हो गया। अब इसी तरह दूसरा हेडिंग साहित्यिक परिचय का डालेंगे। देखिए, साहित्यिक परिचय व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग्य प्रधान लेखक परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। सामाजिक विसंगतियों और व्यक्तिगत समस्याओं का निरावरण करने वाले व्यंगात्मक निबंधों से इन्हें ख्याति मिली। इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। समय की कमजोरियों एवं राजनीति के फरेबों पर, झूठों पर करारे व्यंग लिखने के लिए सिद्धहस्त थे, प्रसिद्ध थे। ये इनकी साहित्यिक परिचय हो गया, इस तरह लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए कृतियाँ, रचनाएँ। इनके द्वारा जो लिखे गए कहानी संग्रह है वे है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। ये परसाई जी की कहानी संग्रह है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। इनकी उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षा में कई बार आती है। रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी तट की खोज। इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। ये इनके निबंध संग्रह हैं, याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए भाषा शैली। परसाई जी ने प्रायः सरल प्रवाहमय एवं बोलचाल की भाषा को अपनाया है। यह सरल एवं व्यवहारिक भाषा के पक्षपाती थे। ये भी चाहते थे कि साहित्य में सरल एवं व्यवहारिक जन मानस के समझ की ही भाषा का प्रयोग हो। इनकी भाषा गंभीर न होकर शुद्ध सरल तथा व्यवहारिक है। परसाई जी की मुख्य शैली व्यंग्य प्रधान है। यह एक व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध ही हैं और इनकी प्रमुख शैली व्यंग्य प्रधान ही है। व्यंग्य का नाम लेते ही पाठक को परसाई जी का नाम स्वयं याद आ जाता है। ये एक सफल व्यंग्य लेखक थे। अब लास्ट में साहित्य में स्थान। परसाई जी ने हास्य एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य के एक विशेष अभाव की पूर्ति की। आधुनिक युग के व्यंग्यकारों में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा, याद किया जाएगा।
ये दोस्तों हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय हो गया। परीक्षा में आप इसी तरह से लिख देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।